Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information hashtag FYI, the history of 11 जनवरी, जहां हम 11 जनवरी के दिन घटी घटनाओं पे नजर डालेंगे। स्वागत करते हैं इस सेशन में हिस्ट्री गुरु का। और बिल्कुल इस सेशन की शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि ये सेशन आप ही के लिए है, आप ही की जानकारी के लिए है, तो बिल्कुल इससे जुड़ना ना भूले। फॉर योर इन्फॉर्मेशन हैशटैग FYI, हिस्ट्री ऑफ 11 जनवरी, लेट्स लुक अपॉन व्हाट आर द इवेंट्स। लेकिन यस, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार बात करेंगे हिस्ट्री गुरु से और जानेंगे कि क्यों 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर इस सेशन से जुड़ना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम यहां पर फिर 11 जनवरी यानी कि 11 जनवरी को नेशनल, इंटरनेशनल और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है विद FYI क्वेश्चन बैंक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए FYI। क्यों देखते रहिए? क्योंकि आपका CHSL स्टेज टू NTPC का भी एग्जाम आने वाला है, CHSL का भी एग्जाम हो रहा है और भी बहुत सारे एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। जिन लोगों ने UPSI MPPSC से भी हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट जुड़ते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए अगर किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, UPPSC का एग्जाम दे रहे हैं, UPSC का एग्जाम दे रहे हैं, जहां पर भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम जहां पर GS की इंपॉर्टेंस है, तो हमारा ये हैशटैग FYI प्रोग्राम आपके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जी मैम, चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ फॉर योर इन्फॉर्मेशन हैशटैग FYI के एक नए सेशन में और देखते हैं 11 जनवरी के दिन ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिसपे आपका क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में। सो लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट इवेंट विच हेल्ड ऑन 1908 में 11 जनवरी के ही दिन ग्रैंड कैनियन नेशनल मॉन्यूमेंट वॉज क्रिएटेड। तो सर, यहाँ पे बात आई है ग्रैंड कैनियन नेशनल मॉन्यूमेंट की, तो हम बिल्कुल जानना चाहेंगे कि ये मॉन्यूमेंट कहाँ है और क्यों इसको बनाया गया। ये बिल्कुल मैम एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। अगर हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में ये सिचुएटेड है, 1908 में ये क्रिएट किया गया था। उसके बाद में एक अगर ग्रेट कैनियन की बात आएगी तो ये तो नेशनल मॉन्यूमेंट की बात है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है। अच्छा। बिल्कुल, अगर कभी आपसे पूछा जाए ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तब भी आपका आंसर यूनाइटेड स्टेट्स होगा। और ये 15th ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी इसी के नाम से है, जो कि यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। उसको 1979 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नेशनल पार्क को वहां पर शामिल किया गया था। ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिजोना, ये बिल्कुल याद रखिएगा, अगर कभी आपसे स्पेसिफिक स्टेट का नाम पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एरिजोना होना चाहिए। कभी भी ग्रेट कैनियन नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा सकता है और ग्रेट कैनियन मॉन्यूमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अगर मॉन्यूमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 1908। अगर कभी नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाएगा और अगर ये पूछा गया उसको कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, तो आपका आंसर होगा 1979। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले इवेंट की तरफ जो हुआ था 1922 में। 1922 11 जनवरी, 11th ऑफ जनवरी वाज द सेम डे व्हेन फर्स्ट यूज ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटीज इन अ ह्यूमन पेशेंट। तो यहाँ पे इंसुलिन को पहली बार इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग में लाया गया था, यूज किया गया था टू ट्रीट डायबिटीज इन अ ह्यूमन पेशेंट। मतलब कहीं ना कहीं हम यहाँ ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं। जी मैम, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि साइंस से भी रिलेटेड है, इससे क्वेश्चन आते ही हैं, इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हम न्यूज को डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल आज ही वो दिन था, यानी कि 11 जनवरी और वर्ष था 1922 का, जब पहली बार डायबिटीज के मरीजों के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया गया था। तो याद रखिएगा 1922 आज ही का दिन 11 जनवरी को पहली बार इंसुलिन का इस्तेमाल डायबिटीज मरीजों के लिए किया गया था। और यह पहला इंसुलिन इंजेक्शन 14 वर्ष के एक मरीज को टोरंटो के एक अस्पताल में दिया गया था। तो ये इंसुलिन की अगर बात आई है तो बिल्कुल याद रखिएगा, हमारे साथ जो भी एस्पायरेंट्स जुड़े हुए हैं तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है अगर कभी आपसे पूछा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर न्यूज की बात आई है तो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ध्यान दीजिएगा। अगर इंसुलिन की बात है तो इंसुलिन की खोज किसने की, सबसे पहले एक इंसुलिन हार्मोन, दूसरा इंसुलिन हार्मोन हमारा किस ग्लैंड से स्रावित होता है, यानी कि किस ग्लैंड से उसका सोर्स है, ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल सकते हैं। बिल्कुल,
तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है जिनको आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले इवेंट की तरफ जो हुआ था 1972। 11th ऑफ जनवरी वॉज द सेम डेट व्हेन 1972 में ईस्ट पाकिस्तान रीनेम्ड इटसेल्फ एज बांग्लादेश। तो इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही हमें यहाँ पता चल रहा है कि बांग्लादेश का नामकरण हुआ था यहाँ पे। जी बिल्कुल मैम, और इसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मैंने पहले की न्यूज़ में चर्चा किया है वहां पर कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान था। अगर बांग्लादेश को आजादी मिली तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान था, और शायद जो भी भारत रत्न दिया गया था वो भी उनको इसी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए भारत रत्न भी दिया गया था। अगर हम इस न्यूज की बात करते हैं, आज ही का वो दिन था 11 जनवरी, वर्ष था 1972 को, जब ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जो पहले जाना जाता था अब उसका नाम क्या हो गया था, बांग्लादेश। यानी कि 1972 में आज ही के दिन बांग्लादेश को उसका नाम मिला था। उसके बाद में 1972 में ही दिसंबर 1972 अगर एग्जैक्ट हम मंथ की बात करते हैं तो दिसंबर 1972 को बांग्लादेश में एक गणतंत्र भी बना और उसके बाद में वहां पर सारी व्यवस्थाएं लागू की गई। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे इसी के साथ अगले इवेंट की तरफ जो हुआ था 1986 में। 1986 11 जनवरी, 11th ऑफ जनवरी वाज द सेम डे व्हेन द गेटवे ब्रिज ब्रिस्बेन क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया वाज ऑफिशियली ओपन। तो यहाँ पे सर बिल्कुल गेटवे ब्रिज की बात आई है, ब्रिस्बेन का नाम आया है, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का नाम आया है, ऑफिशियली ओपन कर दिया था। तो कहीं ना कहीं यस, इस इवेंट में खुद में ही ये बता रहा है कि यह हुआ क्या था। बिल्कुल मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो सिटीज हैं उनका नाम दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, ब्रिस्बेन क्वींसलैंड, आप दोनों ऑस्ट्रेलिया के प्रांत भी हैं और बड़े बड़े शहर भी हैं, और ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियली ओपन किया गया था गेटवे ब्रिज। अब अगर कभी आपसे इस ब्रिज का नाम पूछा जाए, गेटवे ब्रिज कब ओपन किया गया था, इसका नाम क्या था, तो सर लियो हेलिचर ब्रिज, याद रखिएगा सर लियो हेलचर ब्रिज के नाम से ये जाना जाता था, और इसको 1986 में 11 जनवरी 1986 को ये ओपन किया गया था। ये तो न्यूज की बात रही सर। अगर हम इससे रिलेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड बात करते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सिटीज की बात आई है। अगर कभी ऑस्ट्रेलिया के सिटीज आपसे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने के क्रम में पूछे जाए तो एक फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, BSCMAP, यानी कि BSC मैप। बी फॉर ब्रिस्बेन, एस फॉर सिडनी, सी फॉर कैनबरा, बिल्कुल याद रखिएगा, बी फॉर ब्रिस्बेन, एस फॉर सिडनी, सी फॉर कैनबरा, यानी कि BSC का फुल फॉर्म यह हो गया। अगर मैप MAP की बात करते हैं तो M फॉर मेलबोर्न, A फॉर एडिलेड एंड P फॉर पर्थ, ये आपका सीक्वेंस में है। अगर कभी भी आपसे ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने के क्रम में आता है तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगर कभी आपसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में और बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, डार्विन के बारे में पूछा जा सकता है, वहां पर दो बहुत बड़ी खाने भी हैं, काल गुडली और गुल कुल गाड़ी, ये इन खानों के बारे में भी पूछा जा सकता है। ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स आप लोग जरूर नोट करें। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलेंगे और बढ़ेंगे जल्दी से देखेंगे आज हमारे जन्म तिथि किस किस की होती है। द पर्सनालिटीज हु वाज बोर्न ऑन दिस वेरी स्पेशल डे दैट इज 11th ऑफ जनवरी। तो जल्दी देखते हैं पहली पर्सनैलिटी हमारे पास कौन है। तो फर्स्ट पर्सनैलिटी वी हैव दैट इज शिबू सोरेन, 1944 में जन्मे शिबू सोरेन जी 11 जनवरी को अपना जन्मदिन मनाते हैं। और अगर हम बात करें तो सर शिबू सोरेन जी का नाम बिल्कुल प्रख्यात है, अब इनके सोशल कंट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं वो हमें जानना है। जी बिल्कुल मैम, एक राजनीतिक हस्ती रहे हैं। बिल्कुल, अगर कभी भी झारखंड राज्य की बात आती है तो हमेशा शिबू सोरेन का नाम लिया जाता है, और राजनीति के क्षेत्र में ये गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं। और झारखंड राज्य के निर्माण होने के बाद में देखिए अगर शिबू सोरेन साहब का नाम आएगा तो झारखंड का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्होंने ही बनाया है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, भारतीय राजनेता हैं। तो ये एक पर्सनालिटी आपके न्यूज के लिहाज से, एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण बन सकती है। बिल्कुल, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट तो वी हैव श्रीधर पाठक, 1858 11 जनवरी के दिन ही जन्मे श्रीधर पाठक जी के बारे में हम क्या जान सकते हैं। बिल्कुल, श्रीधर पाठक की अगर बात करते हैं, आज इनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को, वर्ष 1858 को इनका जन्म हुआ था, और श्रीधर पाठक एक कवि हैं, याद रखिएगा एक हिंदी के कवि हैं, और इनकी कविताएं लिखने में एक विशेष क्षेत्र को इन्होंने तवज्जो दिया है। किन क्षेत्रों में इन्होंने कविताएं लिखी हैं याद रखिएगा, प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में इन्होंने कविताएं लिखी हैं, स्वदेश प्रेम के बारे में कविताएं लिखी हैं, और समाज सुधार की भावनाओं के, ये एक हिंदी के महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं, और कवि भूषण की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया था। बिल्कुल,
बढ़ेंगे इसी के साथ, देखेंगे नेक्स्ट वी हैव राहुल द्रविड़। यस, 1973 में 11 जनवरी के ही दिन जन्मे राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ का भी सरनाम कहीं से भी हम बोले तो अपने आप में ही डेफिनेशन दे देता है, फेमस पर्सनालिटी है मैम। बिल्कुल, क्रिकेटर, सक्सेसफुल कैप्टन, और अगर हम बात करें तो यस, अ फेमस विकेट कीपर, और भी बहुत सारी उपाधि है जो इनके नाम के साथ जुड़ जाती है, तो बाकी हम आपसे जानेंगे। बिल्कुल, जैसा कि मैम ने कहा, एक विकेट कीपर भी रहे हैं, पारंगत विकेट कीपर, एक अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, बैट्समैन भी रहे हैं, और अच्छे, बिल्कुल सक्सेसफुल, एक सफल कप्तान के रूप में भी इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम में अपना योगदान दिया है। एक महत्वपूर्ण एक पर्सनैलिटी है। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है राहुल शरद द्रविड़। याद रखिएगा, राहुल शरद द्रविड़ इनका पूरा नाम है, क्रिकेटर हैं। 2005 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे और अपनी इच्छा से ही 2007 में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और क्रिकेट जगत में इनको दवाल यानी कि दीवार के रूप में जाना जाता है। दवाल, यस। तो यहाँ पे इसी के साथ बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज पुण्यतिथि किसकी होती है, द डेथ एनिवर्सरीज ऑफ पर्सनालिटीज, किनका आज देहांत हुआ था 11 जनवरी के ही दिन। तो लेट्स लुक ओवर टू द फर्स्ट पर्सनालिटी। तो सर बिल्कुल लाल बाल पाल के एक मेंबर, लाल बहादुर शास्त्री जी। बिल्कुल मैम, ये लाल बाल पाल के मेंबर हम इनको नहीं कहेंगे। अच्छा। क्योंकि बिल्कुल मैम, वहां पर लाला लाजपत राय की बात आ जाती है। अच्छा, अच्छा। लेकिन ये भी अगर लाल बहादुर शास्त्री जी की नाम बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति, और कहीं ना कहीं अगर भारत एक अच्छे सिस्टम में है, डेमोक्रेटिक इंडिया बन चुका है, तो कहीं ना कहीं ये शुरुआती दौर के जो राजनेता थे, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, चाहे दूसरे नंबर के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, तो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छे व्यक्तित्व इनका रहा है। अगर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो बिल्कुल भारत के दूसरे नंबर के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे हैं, और इनका जो टेन्योर रहा है वो 9 जुलाई 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और एक चीज और याद रखिएगा, 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव भी नियुक्त किए गए थे। लेकिन हुआ क्या कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था 1965 में, तब भी ये प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में हुआ क्या कि ताशकंद में पाकिस्तान के बाद में चूंकि युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, समझौते के लिए ताशकंद में राष्ट्रपति अयूब खान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, उनके साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वहां पर गए थे। और वहां पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात को रहस्यमय परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हो गई थी। आज तक ये नहीं पता चला है इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, इसीलिए हमने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया है, रहस्यमय परिस्थितियों में। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत देश के बाहर कभी ताशकंद, चूंकि एयरपोर्ट पर कई तरीके की भ्रांतियां हैं, उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं है क्योंकि कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, इसलिए कभी बाहर अगर मृत्यु प्रधानमंत्री की पूछी जाएगी तो वहां पर भी लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया जाएगा। 1966 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो एक मैम ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है, अगर कभी हमारे एस्पायरेंट से किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाए कि मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया, तो वहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आएगा। बिल्कुल, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं इनके नाम के साथ, द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हुआ था आज ही के दिन 1966 में। नेक्स्ट इफ यू लुक अपॉन, सो वी हैव इल्बेन इंशा, 1978 में 11 जनवरी के ही दिन इनका भी देहांत हुआ था, निधन हुआ था। तो सर बिल्कुल हम जानना चाहेंगे कि इस वेटरन पर्सनालिटी के सोशल कंट्रीब्यूशंस क्या थे। जी बिल्कुल मैम, ये भी एक बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी रहे हैं इब्ने इंसा। अगर हम इब्ने इंसा साहब की बात करते हैं तो 1978 में उर्दू के मशहूर शायर, याद रखिएगा उर्दू के मशहूर शायर इब्ने इंसा साहब का निधन हुआ था। इनको उर्दू के सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लेखकों में एक माना जाता है। इनकी मशहूर कृतियों में से एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, उसके लिए इनको विशेष रूप से जाना जाता है, जिसका शीर्षक था उर्दू की आखिरी किताब। तो अगर कभी उर्दू के लेखक की, उर्दू के कवि की बात आएगी तो वहां पर इब्ने इंसा साहब का नाम लिया जाएगा। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे और देखेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन आज का। आपके #FYI क्वेश्चन बैंक में एक नया पन्ना जुड़ने जा रहा है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन आंसर सेशन पे, क्योंकि यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चंस आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे आने वाले सेकंड फेज NTPC एग्जाम्स के लिए, CHS के लिए, और सर अगर हम बात करें तो यस, कहीं ना कहीं MTS को भी ये टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि मल्टीटास्किंग के फॉर्म भरे भी जा रहे हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। बढ़ते हैं, देखते हैं जल्दी से व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च, 9 मार्च, 8 मार्च, 16 मार्च। तो सर बिल्कुल यहाँ हमें लगता है कि 8 मार्च। बिल्कुल मैम, महिलाओं से प्रेरित है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसीलिए इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है और सही इसकी तिथि है 8 मार्च। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल, तो 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। फेडरेशन कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट या हॉकी? फेडरेशन कप की अगर हम बात करें तो फेडरेशन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सर यहाँ हमें लगता है कि इसका आंसर बास्केटबॉल। जी बिल्कुल मैम, हाँ बास्केटबॉल हो सकता है। जी बिल्कुल, आपने सही मैम इसका आंसर किया है, गेस किया है आपको, गेस किया बिल्कुल है, पता भी होगा, तो एकदम सही इसका आंसर है बास्केटबॉल। देखिए ये एक स्पोर्ट्स फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पर आप हॉकी को, क्रिकेट को या बैडमिंटन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड मैं आपको ट्रॉफीज बताता हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर बैडमिंटन की बात की जाएगी तो उबेर कप एंड थॉमस कप दोनों आपके बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। अगर क्रिकेट की बात की जाएगी तो क्रिकेट से बहुत सारी ट्रॉफीज रिलेटेड है, चाहे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी की बात करें या सरजहां कप की बात करें, बिल्कुल, तो ये सारे सही। और हमारा केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक शीश महल ट्रॉफी होती है लखनऊ में, तो ये भी एक महत्वपूर्ण, कई सारे एग्जाम में पूछा भी गया, इसलिए हमने यहाँ पर आपको बताया। अगर हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी से अजलन शाह कप बहुत महत्वपूर्ण कप के रूप में प्रसिद्ध है। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। कृष्णा रिवर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट? कृष्णा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो सर यहाँ हमें ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश शायद। जी देखिए मैम, अगर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में तो कृष्णा नदी है, इसलिए अच्छा, आपका ये उत्तर गलत, पूरी तरीके से सही नहीं है, सही नहीं। महाराष्ट्र, कर्नाटका में डाउटफुल कंडीशन हो सकती है। जी बिल्कुल, अभी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हाँ। अगर आप ध्यान देंगे कृष्णा रिवर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम कृष्णा नदी के बारे में आप याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट के जो पर्वत है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और साउथ वेस्ट में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में वहां पर गिरती है, और एक प्रसिद्ध शहर है विजयवाड़ा, वो भी कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में प्रभावित होती है, यहाँ पर डी तमिलनाडु आपका सही उत्तर। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। नारकोंडम इज अ स्मॉल आइलैंड लोकेटेड इन द, एक छोटा द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, अंडमान सी, निकोबार सी, अरब सी या नन ऑफ दीज? तो अंडमान सागर, निकोबार सागर, अरब सागर या इनमें से कोई नहीं। तो सर यहाँ पे भी अगर हम फिर से गैस करें तो अंडमान या निकोबार सी, इन दोनों में से ही हमें लगता है आंसर होना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर नारकोंडम द्वीप की, नारकोंडम ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है, एक आईलैंड भी है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे ऑप्शन वाइज, क्योंकि सारे ऑप्शन ऐसे दे हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए, लेकिन यहाँ पर सही उत्तर आपका अंडमान सागर होगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। Which one of the following text mentions all four ashrams of the first for the first time? निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ में सबसे पहले चारों आश्रमों का उल्लेख किया गया है? पंचविश ब्रह्मणा, जबला उपनिषद, ऐतार्या उपनिषद या मांडुक्य उपनिषद? बिल्कुल मैम, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ आप लोगों को लग सकता है, क्योंकि चार आश्रम अब सबसे पहले तो यही जानने पड़ेंगे, चार आश्रम कौन से हैं, किसका उल्लेख कहाँ हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सर हमें नहीं पता। जी बिल्कुल मैम, इसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। देखिए चार आश्रम है, सबसे पहले याद रखिए ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम होता है, और अंत में संन्यास आश्रम होता है। यही पूरा क्रम है, और आदमी जो भी पर्सन है, व्यक्ति है, अपनी पूरी जिंदगी यानी कि 100 वर्ष की आयु मानी गई है, उस 100 वर्ष की आयु में इन चार आश्रमों को डिवाइड किया गया है, और हर एक में ऑप्शन बी जाएगा क्या? जी बिल्कुल मैम, अगर यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं कि चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि जावाल उपनिषद में किया गया है। अब एक मैम इसमें डी जो ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है, सारे लोगों को दिख रहा होगा, मुंडक उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कभी सत्यमेव जयते पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो बिल्कुल ये यहां पर सही उत्तर क्या होगा, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद जिसको कहते हैं। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी?
निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं किया गया था? सिटी ऑफ सीरी, टोम ऑफ जलालुद्दीन, हाउस ए अलाई या जमात खाना मस्जिद। तो अगर हम बात करें तो सर हमें तो यहाँ पे फिर वही डाउटफुल कंडीशन आ जाती है, सिटी ऑफ सीरी लगता है और ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल मैम, ऑप्शन नंबर डी। और देखिए यहाँ पर आपने कोशिश की लेकिन आपका सही उत्तर नहीं है। नहीं है। अगर हम सी है क्या? जी बिल्कुल मैम, यहाँ पर बी अच्छा सही बी है उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर चार आर्किटेक्चर पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जी ने, अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान थे, उन्होंने कौन कौन से स्थापत्य कला में अपना योगदान किया है। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है बिल्कुल। अगर हम बात करेंगे हौज ए अलाई, अगर कभी हौज ए अलाई ना देकर के हौज ए खास दिया जाए अच्छा। क्योंकि दिल्ली में एक मोहल्ला भी हौज ए खास के नाम से प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल वो भी अलाउद्दीन खिलजी की ही देन था। अगर जमायत खाना मस्जिद, जमात खाना या जमायत खाना दोनों रूपों में लिखा हुआ है मिल सकता है, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित थी। यहाँ पर बी ऑप्शन जलालुद्दीन का मकबरा, क्योंकि जलालुद्दीन के अकबर से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज स्पष्ट नहीं है क्वेश्चन में अच्छा। तो इसीलिए इसका बी जो आंसर है वो सही नहीं होगा, यानी कि ये खिलजी के द्वारा निर्मित नहीं है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन में। बहुत सारी बातें यहाँ बिल्कुल हर क्वेश्चन के साथ हमें भी याद हो रही है, तो कैंडिडेट से वही हम एक बात कहेंगे कि आपको भले ही क्वेश्चन आते हो, आंसर्स अगर ना आते हो, तो यहाँ पे आप जुड़ के इस क्वेश्चनेयर सेशन में कम से कम इन क्वेश्चंस के आंसर्स याद कर पाएंगे, जो कि कभी ना कभी सर बुक में स्किप आउट हो भी जाते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें पता है हाईलाइटेड पॉइंट्स हम बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं और उनको याद भी रख लेते हैं, या कहीं ना कहीं एक मेंटल टेंडेंसी होती है कि जो हमें समझ में आता है वो हमारे दिमाग में चला जाता है, तो हमें लगता है हमें सब बन गया, हमें सब पढ़ लिया, और ऐसी ही कुछ बातें हैं जो छूट जाती हैं, जिनको हम यहाँ क्वेश्चन बैंक में अपने कवर करते हैं। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following revolutionary organization had a large number of young women revolutionaries? निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन में बहुत बड़ी संख्या में युवा महिला क्रांतिकारियों ने भाग लिया था? युगांतर, अनुशीलन समिति, भारत माता सोसाइटी या इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैम, कई बार पूछा भी गया है। मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया जा रहा था तो बहुत सारे क्रांतिकारी संगठनों का निर्माण किया जा रहा था, और एक ऐसा संगठन था जहां पर यूथ फीमेल्स जो रिवोल्यूशनरीज थी, महिला क्रांतिकारी थी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और वो थी जो आपको ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। यहाँ याद रखिएगा मास्टरदास सूरसेन का एक ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ये एक महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में रही है, तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर बी ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, अनुशीलन समिति, इससे भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना हुआ है, तो बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न के लिहाज से आपका डी उत्तर सही है। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not the qualification for election as president? राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता नहीं है। Have completed the age of 30 years, be qualified for election as a member of the Lok Sabha, must not hold any office of profit, या none of these। तो बिल्कुल 30 वर्ष की आयु पूरी होना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होना, कोई लाभ का पद धारण नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि which of the following is not the qualification, कौन सी eligibility नहीं, eligibility जो नहीं है। तो बिल्कुल हम चाहेंगे सर ऑप्शन बाय ऑप्शन आप इसको समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट की अगर बात आएगी तो प्रेसिडेंट, सबसे पहले याद रखिए प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, यानी कि कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। बिल्कुल। और अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात आएगी, एज क्राइटेरिया जो ऑप्शन ए आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर 35 आंसर होता, अगर होता 35 इयर्स तो यहाँ पर सही होता, यानी कि ए जो आंसर है वो इसका गलत आंसर है, ये राष्ट्रपति की अर्हता नहीं होती है। अगर 35 वर्ष की, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है प्रोविजन में कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी होना आवश्यक है, और दूसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ये बात एकदम सही है, ये अर्हता होनी चाहिए, और कोई भी प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, तो दोनों बी और सी दोनों इसके लिए अर्हता है, इसीलिए ए विकल्प आपका गलत होगा। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ।
In the tenure of which viceroy the capital of India was transferred from Kolkata to Delhi? किस वायसराय के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो कहीं ना कहीं सर हमने अपने पिछले कई सेशन में हमने ये देखा था कि कब ली गई थी, अब यहाँ बात आ गई है किसके शासन में या किसके टेन्योर में गई थी। तो बिल्कुल हम चाहेंगे लॉर्ड हैडिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड हेस्टिंग्स या वॉरेन हेस्टिंग्स। जी बिल्कुल मैम, वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था जॉर्ज पंचम के बारे में। हाँ। और उनकी रानी थी मैरी, जब दिल्ली दरबार लगाए गए थे, तीसरा दिल्ली दरबार था उसी समय में ये कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर की गई। और यहाँ पर देखिए, मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था, तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन पर आप सारे लोग बहुत ध्यान दें क्योंकि एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। और यहाँ पर फिर से मैं करूंगा लॉर्ड हार्डिंग, देखिए लॉर्ड हार्डिंग इसका सही उत्तर है। 1911 में राजधानी को डिक्लेयर किया गया जब दिल्ली दरबार, तीसरा दिल्ली दरबार लगा जॉर्ज पंचम, और वहां पर उनकी रानी मैरी आई थी तो उनके स्वागत के लिए दरबार आयोजित किया गया था। और हार्डिंग साहब क्या थे, लॉर्ड हार्डिंग जी उस समय गवर्नर जनरल या वायसराय वहां पर थे। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ग्रासलैंड ऑफ वेल्ड इज फाउंडेड इन विच कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका या एशिया? तो सर एक बार फिर से हम यहाँ गेस करना चाहेंगे इसके लिए, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है अफ्रीका। ये बिल्कुल मैम आपका सही जवाब है, इसका सही उत्तर क्या होगा, अफ्रीका। देखिए ये क्वेश्चन आपका जरूर आंसर पूछा जाता है। देखिए वेल्ड घास के मैदान है क्या बेसिकली, अगर हम साउथ अफ्रीका या अफ्रीका की बात करते हैं, अफ्रीका के खुले क्षेत्रों जो वहां पर ओपन एरियाज हैं उनको वेल्ड कहा जाता है, और जो काफी हद तक घास और छोटी झाड़ियों से ढके रहते हैं इसीलिए उनको वेल्ड कहा जाता है। और ये अफ्रीका के कुछ कंट्रीज को ज्यादातर कवर करते हैं, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के काफी भागों में विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। बिल्कुल, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन है सेशन, जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। इसके अलावा वी हैव डिस्कस द बर्थडेज, डेथ एनिवर्सरीज एंड द इवेंट्स व्हिच हेल्ड ऑन 11th जनवरी बेसिकली। तो 11 जनवरी के दिन की घटनाओं को हमने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन एयर सेशन की भी, तो बिल्कुल आज का क्वेश्चन एयर सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमें लिख के बताइएगा। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन व्हाइल वॉचिंग द वीडियो। एंड यस, इफ सब्सक्रिप्शन नॉट डन येट डू सब्सक्राइब, क्योंकि फास्ट फिंगर फर्स्ट शुरू हो चुका है और उस पे पार्टिसिपेट करने का मैंडेटरी नॉर्म इज द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग महिंद्रा गुरु, एंड यस बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्टडिंग, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।